हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैशन। आज की इस वीडियो में आपको स्लीव्स कट का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, वो भी एकदम सिंपल और इजी तरीके से। आप भी इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। सबसे पहले मैंने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। मैंने स्लीव्स के मैन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को कट कर लिया है। डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर से लाइनिंग फेस पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसके नीचे 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और इसके साइड से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो मैंने मार्किंग करी थी यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। मैंने अपनी स्लीव्स पर मार्किंग करके 3 बॉक्स बना लिए हैं। इसके बाद हमें बीच वाले बॉक्स को लेना है और इसमें इस तरीके से शेप देनी है गोलाई में, और फिर हमें नीचे वाले बॉक्स में नीचे की तरफ से शेप देनी है गोलाई में। बीच वाले सेंटर में जो हमें शेप देनी है उसको हम फोल्डिंग साइड से थोड़ा पीछे की तरफ रख कर चलें शेप में, और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके इसके दूसरे साइड पर भी मार्किंग कर लें इस तरीके से। और इसमें नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर मार्किंग कर लें। ये मेरे लाइनिंग फेस पर मार्किंग हो चुकी है। अब हमें अपनी स्लीव्स लेनी है। स्लीव्स के ऊपर इसको बिछा लेना है। ये स्लीव्स में सेंटर वाला कट है, इस पर बिल्कुल मिलाकर बिछाएं और आपको इस मार्किंग पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। यहाँ पर सेंटर में 1/2 इंच का गैप रखा था मैंने, इसमें इस तरीके से कट करना है इसको। हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर यहाँ पे हमें सारा कट कर लेना है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे कट लगा लेना है जिससे ये फोल्ड इजीली हो जाए, और इस तरीके से इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इनर लाइन पर टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। मैंने ये सिलाई लगा ली है पीछे की तरफ, ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखेगी सिलाई, और मैंने इस पर पेस्ट कर ली है। इसके बाद हम इसके सेंटर में गोल्डन पल्स अटैच करेंगे। इसके लिए हमें 1.5 इंच पर नीचे से मार्किंग करनी है, और वैसे ही मार्किंग हमें दूसरी साइड कर लेनी है 1.5 इंच पर। पल्स लगाने के लिए निडल को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पास करना है इस तरीके से, और इसमें एक नोट टाई कर लें। और इसमें पल्स को ले और दूसरी साइड भी नीचे की तरफ से ही निडल को पास करें, और इधर साइड भी नोट टाई कर लें एक, और फिर इसके आगे निडल को पास करें और वहां पर भी नोट टाई करके अगेन पल्स को अटैच करें। इसी प्रोसेस से आप अपने अकॉर्डिंग 4 या 5 पल्स को अटैच कर लें इस तरीके से। मैंने ये 4 पल्स अटैच किए हैं इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।